असम के अगले मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा होंगे, इस बात पर अब मोहर लग चुकी है। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, असम के सीएम का नाम तय हो चुका है। अब से कुछ ही देर पहले जो हाई लेवल मीटिंग बीजेपी के तमाम लोगों के बीच हुई है, उसमें हेमंत बिस्व शर्मा असम के नए सीएम होंगे, इस बात पर मोहर लगा दी गई है। उनके नाम को तय किया गया है। हालांकि पहले ये कहा जा रहा था कि अभी भी विधायक दल की जो बैठक चल रही थी उसमें नाम पर संशय था, लेकिन अब हेमंत बिस्व शर्मा ही असम के नए मुख्यमंत्री होंगे, ये तस्वीर साफ हो चुकी है। उनके नाम पर मोहर लग चुकी है। हाई लेवल मीटिंग ने, आला कमान ने यह तय किया है कि असम की कमान अब हेमंत बिस्व शर्मा ही संभालेंगे। विधायक दल की बैठक में वो नेता चुने गए सर्वसम्मति से। आज 4 बजे कहा जा रहा है कि वो अपना दावा पेश कर सकते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा असम के नए सीएम, उनका नाम तय। और जिस तरीके से पिछले 7 सालों में उन्होंने पार्टी के लिए असम में काम किया है, उसी को देखते हुए पार्टी ने उन्हें सीएम पद दिया है। हेमंत बिस्व शर्मा असम के नए सीएम होंगे। विधायक दल की बैठक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें सर्वसम्मति से हेमंत बिस्व शर्मा का नाम तय किया गया है। हिमांशु हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत, अब तो कयास, माफ कीजिएगा हिमांशु, इस वक्त कयासों पर अब विराम लग चुका है। हेमंत बिस्व शर्मा असम के नए सीएम तय कर दिए गए हैं और सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है। सम्मति से फैसला लिया गया, हेमंत बिस्व शर्मा जो है अब वो असम के नए मुख्यमंत्री होंगे। नेहा, ये बात आज तक पिछले कई दिनों से कह रहा था कि जिस तरीके से असम में बीजेपी को विक्ट्री मिली है उसमें बड़ी भूमिका जो है वो हेमंत बिस्व शर्मा की है, और इस भूमिका में जो है हेमंत बिस्व शर्मा को नकारा नहीं जा सकता है। और पिछले 5 साल से वो लगातार पार्टी के लिए संकट मोचक की भूमिका में रहे नॉर्थ ईस्ट में, ये बात मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ। और इसीलिए, और एक अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट हैं चुनावी रणनीति के, और उनकी एक लोकप्रियता है पार्टी में, और ज्यादातर विधायक और एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, एजीपी है या यूपीएलएल है, वो चाहते थे कि हेमंत बिस्व शर्मा जो है वो मुख्यमंत्री बने। और पार्टी ने चुनावी रणनीति जो है तय किया था कि सर्वानंद सोनोवाल के साथ हेमंत बिस्व शर्मा की ज्वाइंट नेतृत्व में जो है वो पार्टी चुनाव में जाएगी। और उसके बाद जिस तरीके की विक्ट्री मिली उसके बाद ये बिल्कुल तय था कि हेमंत बिस्व शर्मा जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। बंगाल के अंदर जो नतीजे आए हैं उसके बाद ये जरूर है कि पार्टी को थोड़ा सा धक्का लगा, लेकिन पार्टी को ये जरूर पता था कि अगर हेमंत बिस्व शर्मा की जगह अगर सर्वानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर एक लोकप्रिय नेता को साइडलाइन किया जा सकता है। और हेमंत बिस्व शर्मा को 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने कहा था कि वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, तब पार्टी ने मना कर दिया था। विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कहा विधानसभा नहीं लड़ना चाहते, तब पार्टी ने कहा कि नहीं आप विधानसभा लड़िए, पार्टी ने आपके बारे में पूरा सोच विचार कर फैसला ले लेगी, अच्छा फैसला होगा। और अब जब चुनाव के नतीजे आए और उसमें एक बड़ी भूमिका जो है हेमंत बिस्व शर्मा की है, तो कहीं ना कहीं पार्टी ने उनको उसका पुरस्कार भी दिया जिस तरीके की रणनीति उन्होंने बनाई, और लगातार संगठन के विस्तार को लेकर वो काम करते रहे, और एक अच्छे स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर पूरे नॉर्थ ईस्ट में उनका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और नॉर्थ ईस्ट में कोविड के दौरान जो है जिस तरीके के फैसले लिए वो एक अलग चीज है, और साथ ही साथ सीए और एनआरसी को लेकर जिस तरीके से टैकल किया उसमें हेमंत बिस्व शर्मा की एक बड़ी भूमिका थी, और उसका आज ये कह सकते हैं कि उनको पुरस्कार मिला है। विधायक दल का नेता चुना गया, 4 बजे जो है राज्यपाल जगदीश मुखी से मुलाकात करेगी बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल, और जिसमें सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। अब देखना यह है कि कब मुख्यमंत्री पक्की शपथ जो है हेमंत बिस्व शर्मा लेंगे, क्योंकि ये तो जरूर है कि कोविड के जिस तरीके से केसेस बढ़े हैं आसाम में भी है, एक बहुत ही साधारण जो है वो फंक्शन रहेगा, 2016 की तरह नहीं रहेगा। जिस तरीके से सर्वानंद सोनोवाल के लिए एक बड़ा फंक्शन किया गया था और खानपाड़ा के अंदर एक बड़े ग्राउंड में उस विक्ट्री को मनाया गया था, इस बार उस तरीके का फंक्शन नहीं रहेगा। गवर्नर हाउस के अंदर ही जो है वो शपथ ग्रहण समारोह होगा, और देखना यह है कि उनके साथ साथ कौन कौन मंत्री जो है बनते हैं, और एजीपी और यूपीएल के को कितने मंत्री पद दिए जाते हैं। यहाँ साथ ही हिमांशु, जिस तरीके का सादा और साधारण समारोह हमने पश्चिम बंगाल में देखा था ममता बैनर्जी के शपथ ग्रहण में, उसी तरीके उसी तर्ज पर ये शपथ ग्रहण हो सकता है। और ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर हेमंत बिस्व शर्मा को सीएम के तौर पर चुना गया है। विधायक दल की ये बैठक जहां की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, वहां पर 45 विधायकों ने हेमंत बिस्व शर्मा के नाम पर ही मोहर लगाई। सर्वानंद सोनोवाल ने खुद उनका नाम सुझाया,
और इसके बाद 45 विधायक भी उनके समर्थन में आ गए। आज 4 बजे सरकार बनाने का दावा बीजेपी पेश करेगी और जिस तरीके से जानकारी मिल रही है एक सादा और साधारण समारोह ये रहने वाला है शपथ ग्रहण का। हिमांशु हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, ये बेहद सराहनीय है जिस तरीके से हेमंत विश्व शर्मा ने 7 साल में पार्टी में अपने लिए जगह बना ली, सीएम के पद तक पहुंच गए, खुद सोनोवाल उनके नाम का समर्थन कर रहे हैं और किसी तरीके से ये नहीं लगता कि कहीं पर भी कोई संशय था पार्टी के मन में। हालांकि वक्त जरूर लगा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पार्टी के लिए काम किया उसे ध्यान में रखा गया, एक अलग ही पार्टी से वो आए थे और आज इस कद और पद तक पहुंच गए। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से हेमंत विश्व शर्मा 2015 के अंदर पार्टी में आए और उनके साथ कांग्रेस से लगभग 20 विधायक जो हैं वो बीजेपी में शामिल हुए थे और 2016 की जीत में भी हेमंत विश्व शर्मा का एक बहुत बड़ा योगदान था। जिस तरीके की स्ट्रेटेजी थी, जिस तरीके का कैंपेन उन्होंने पूरे 2016 के अंदर भी चलाया और फिर उसके बाद पूरे 5 साल सरकार में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही वो उनकी थी। दूसरा मैं आपको एक और चीज बोलना चाहता हूँ, हेमंत विश्व शर्मा एक पॉपुलर लीडर हैं वहां पर। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से उनके रोड शोज या रैलीज होती थी और उनके लिए जिस तरीके का जब वो भाषण देते थे तो लोगों से पब्लिक कनेक्ट होता था और उनसे उनको पब्लिक के द्वारा जो है एक तरीके से कहा जा सकता है कि रिवर्ट भी मिलता था और ये पार्टी भी जानती थी और पार्टी को ये जरूर मालूम है। और देखिए 2017 के अंदर जब बीजेपी गोवा में विधानसभा में गई थी तो वहां पर लक्ष्मीकांत पासलेकर जो है मुख्यमंत्री थे उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने नहीं गई थी। पार्टी ने ये घोषणा नहीं की थी कि वो उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी और अगले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पासलेकर होंगे। जिस तरीके से 2018 के अंदर राजस्थान में वसुंधरा राजे और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में गए, 2019 के अंदर रघुवर दास और मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में हरियाणा और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र गए, इस तरीके की घोषणा यहाँ नहीं की गई तो उसका सीधा संकेत यही था कि हेमंत विश्व शर्मा को नाराज नहीं किया जा सकता था, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता था और उन्हीं के एक कह सकते हैं कि रणनीति के तहत चुनाव में जीत भी मिली है और उसका रिवार्ड आज हेमंत विश्व शर्मा को मिला है। नेहा बहुत बहुत शुक्रिया।